छिंदवाड़ा की सड़कें, कार बाइक शोरूम और बड़े ब्रांडों के कपड़े की दुकानें ये एहसास दिलाती हैं कि ये जिला मुख्यालय मध्य प्रदेश के बाकी जिला मुख्यालयों से अलग है। यही कारण है कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की विकासवादी छवि बनाने के लिए छिंदवाड़ा विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। 1980 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कमलनाथ छिंदवाड़ा संसदीय सीट से 9 बार सांसद रह चुके हैं। 2018 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये लोकसभा सीट छोड़ी और अब उनके बेटे नकुलनाथ यहाँ से सांसद हैं। नकुलनाथ और उनकी पत्नी प्रियानाथ छिंदवाड़ा में कमलनाथ के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं जो विकास पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और यहाँ बहुत सारे विकास योजना लाए गए। अब अगर हम अपने मेडिकल कॉलेज की बात करें, हम अपने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की बात करें, हम अपने सिंचाई योजनाओं के बारे में बात करें, सब की जो राशि स्वीकृत हुई थी उन सबको कैंसिल कर दिया गया और अगले महीने कांग्रेस की सरकार दोबारा से आएगी और दुगनी रफ्तार से हम छिंदवाड़ा का विकास करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और बीजेपी उम्मीदवार विवेक साहू बंटी को लगभग 26,000 मतों से हराया था। आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने सीएम फेस के तौर पर एक बार फिर कमलनाथ को इसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने भी इस सीट पर बंटी साहू को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, लिहाजा आगामी चुनाव में कमलनाथ और बंटी साहू के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा अवसर दी और ये दूसरी बार, उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ मैं उपचुनाव में लड़ा था और मुझे जिले की जनता ने, मेरे भाइयों एवं बहनों ने मुझे साथ दिया। मेरे आदिवासी बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, इन लोगों ने मुझे साथ दिया और 90,000 वोट मुझे कमलनाथ जी के खिलाफ उस समय जनता ने दिए। पिछला उपचुनाव हारने के बाद भी बंटी साहू छिंदवाड़ा में लगातार सक्रिय रहे हैं। वो छिंदवाड़ा में बदलाव की अपील करते हुए घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं। नेता वो होता है जो लोगों के कल्याण के लिए काम करे। कमलनाथ जी एक बिजनेसमैन है, उन्होंने छिंदवाड़े को एक पॉलिटिकल फैक्ट्री के रूप में उपयोग किया। छिंदवाड़ा आने के बाद वो अरबपति खरबपति बन गए, 22-22 कंपनियों के मालिक बन गए, लेकिन आज हमारी आदिवासी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, ये बेरोजगार हैं। कुछ मतदाता आगामी चुनावों में बदलाव की उम्मीद करते नजर आ रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी तक हम लोग कमलनाथ जी को सपोर्ट करते थे, पर पिछले 5 साल में देखा गया है और खासकर कोरोना काल में जो काम बंटी साहू ने किया है, हर घर में जाके या पीड़ित घरों में जाके सबसे मिलना और जो भी यथासंभव हो सके सहयोग करना, डेवलपमेंट मेन चीज़ें हैं। बाकी बीजेपी की गवर्नमेंट से अभी तक तो खुश हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। कमलनाथ जी का 70 साल का विकास देख चुके हैं हम लोग, अब एक हाथ चांस बंटी भैया को दिया जाए। आज जो हमारे क्षेत्र का युवा वर्ग है वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, उसको रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, काम चाहिए। हमारा सपोर्ट तो बीजेपी को है क्योंकि बंटी भाई हमारे क्षेत्र के हैं और उन्हें कोरोना काल से लेके उससे भी पहले हमारे इधर की जनता का बहुत देख रेख किया, बहुत ख्याल करा है। कई मतदाताओं ने अभी ये तय नहीं किया है कि वो किसे वोट देंगे, लेकिन जीतने वाले से वो क्या चाहते हैं इसे लेकर वो स्पष्ट हैं। लोगों से और नेता लोगों से यही कहना चाहता हूँ, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के लिए एक फैक्ट्री खुल दी जाए या रोजगार के लिए और नए अवसर या नए कोई भी जो भी योजना है वो लेके आया जाए और एजुकेशन के लिए योजना लेके आया जाए। कोई भी जीते अपने यहाँ से, ऐसा नहीं कि जनता जीते कांग्रेस जी, कोई भी जीते यहाँ पर, मतलब लेडी बच्चों के लिए काम खुलना चाहिए छिंदवाड़ा जिला में। और पहली बात क्या, जैसे पंचायत के लिए सरकार ने ये योजना निकाली मकान की सेक्शन के लिए, ऐसे नगर पालिका के लिए भी निकालना चाहिए, तो सब लोग सहमत रहे उस चीजों में। बीजेपी कमलनाथ को उनके गढ़ में चुनौती देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस संसदीय क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं। बीजेपी ने अपने कुछ सबसे प्रमुख नेताओं को यहां प्रचार के लिए उतारा है, जिनमें अमित शाह, नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह और स्मृति ईरानी जैसे केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।
जहां कमलनाथ अपने चुनाव अभियानों में छिंदवाड़ा जिले की छवि बदलने का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी क्षेत्र में विकास की कमी और बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्हें चुनौती देना चाह रही है।